साथ बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक हैं। आइए उनसे जानेंगे कुंदरू सब्जी के चमत्कारिक गुणों से जुड़ी कुछ खास जानकारी। सर ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड साइंसेस न्यू दिल्ली से एमडी की पढ़ाई पूरी की है। आइए करते हैं सर से बातचीत। मैं डॉक्टर राजेश बोकारो स्टील सिटी से। कुंदरू, जिसको यहाँ लोकल में लोग टिंडोरा भी बोलते हैं, ये एशिया में पाई जाती है, पूरे एशिया में पाई जाती है, और इसका जो रूप होता है वो बिल्कुल परवल जैसा होता है। और ये बहुत लोगों का मत होता है कि ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी का रिच सोर्स है, इसलिए ये ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, इसमें चूंकि कैलोरीज बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, उनको वीक में कम से कम एक बार या दो बार ज़रूर लेना चाहिए। और ये बरसात के टाइम में ये यहाँ पे पाया जाता है। ये चूँकि एंटी डायबिटिक गुण इसमें है, इसलिए ये इंसुलिन को भी ये करता है, प्रमोट करता है बनने में। इसलिए खासकर जो एंटी डायबिटिक मतलब जो आपके डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी अच्छा काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। किसी भी तरह पुराना जो जिनको कब्ज है, उनको कम से कम 2 से 3 बार सप्ताह में ज़रूर लेना चाहिए। ये एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल का भी काम करता है। प्लस इसका आपका हार्ट डिजीज पे भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, शरीर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है। और लोगों को अर्थराइटिस में भी इसका अच्छा रिजल्ट है, खास जिनको जॉइंट पेन होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें बहुत ही अच्छा वर्क है इसका। इसलिए अर्थराइटिस पेशेंट को भी लेना चाहिए। ये आपका किडनी फंक्शन को भी ठीक करता है, GFR को, जिनका काफ़ी लो होता है उनको, उनका GFR जो आपका फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का, उसको बढ़ाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये आपका इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, इससे जो विटामिन सी के कारण जो आपका एंटी एलर्जिक होता है, खासकर सर्दी खांसी इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें ये ज़रूर लेना चाहिए। और चूंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसके लिए आपको स्किन डिजीज जो भी होता है उसमें वो कम करता है। खासकर आपका जो एक्ने है, पिंपल्स है, वो उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए। ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है, इसलिए ये अच्छा चीज़ है ये। और सर, ये जो कुंदरू सब्जी है, इसका सेवन किन्हें नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा चीज़ पूछे आप, ये लोगों को जानना भी चाहिए। ये खासकर देखिए, जो आपका प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ये नहीं लेना चाहिए। आपके जो माताएं बेबी फीडिंग लेडी हैं, उनको तो बिल्कुल ही लेना है, क्योंकि इस ये जो है आपका लो डायबिटिक है या जिनको लो ब्लड प्रेशर है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज़ को भी लेवल को भी कम करता है, हाइपरटेंशन को भी कम करता है। इसलिए जिनका ऑलरेडी पहले से बीपी लो है और डायबिटीज़ लो है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। और ये सर्जरी के दौरान भी इसका मना किया गया है, खासकर जिनका किसी भी तरह सर्जरी कराना होता है, तो कम से कम 2 सप्ताह पहले इसका सेवन बंद कर दें, और सर्जरी के बाद 1 महीना तक इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है।